How to fix Wi-Fi calling problem in any Realme series. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिकराज YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि आप जो है कैसे Wi-Fi calling problem सॉल्व कर सकते हैं। कई बार क्या होते हैं, हम Wi-Fi के थ्रू कॉल करने की कोशिश करते हैं लेकिन कॉल प्लेस नहीं हो पाते हैं, ठीक है, Wi-Fi के थ्रू। तो अगर दोस्तों आपको भी इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम जो है फेस करना पड़ रहा है, वाईफाई कॉलिंग काम नहीं कर रहा है, ठीक है, इस वीडियो को देखें। मैं आपको सेटिंग के सारे साथ सॉल्यूशन भी बताऊंगा जिसके थ्रू आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकॉन को क्लिक जरूर करें। यदि आपको ऑनलाइन पैसा कमाना है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा, और किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग पर आप हमें ट्विटर पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं वाईफाई कॉलिंग प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको जो है हमेशा ये चेक करना होगा कि वाईफाई जो है अच्छे से कनेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। आप जिससे भी वाईफाई जो है ले रहा है उस मोबाइल पर आप जाके चेक जरूर करें कि उनका इंटरनेट कनेक्टिविटी और हॉटस्पॉट लिमिट वगैरह कुछ भी इनेबल्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है। इंटरनेट कनेक्टिविटी ऑन होना चाहिए लेकिन हॉटस्पॉट का जो लिमिट होते हैं वो ऑफ होना चाहिए, ठीक है। तो आप ये सब उनके डिवाइस पे जाके चेक करें, दोनों ही मोबाइल को एक बार रिसेट कीजिए, रिस्टार्ट कीजिए। रिस्टार्ट करने के बाद दोबारा से वाईफाई कनेक्ट करके चेक करें, अगर प्रॉब्लम सॉल्व होता है तो ठीक है, अगर नहीं हो रहा है तो आप जाइए दोस्तों अपने मोबाइल के सेटिंग पर, सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क को ओपन करें, अपना सिम ओपन कर लीजिए और उसके बाद वाईफाई कॉलिंग पर जाके वाईफाई कॉलिंग को ऑन कर दीजिए, और उसके बाद आपको मिलेगा वाईफाई कॉलिंग प्रीफरेंसेस का ऑप्शन, ठीक है। सेलुलर कॉलिंग प्रीफर्ड भी आप कर सकते हैं, वाईफाई कॉलिंग प्रीफर्ड भी आप सेट कर सकते हैं, ठीक है। दोनों में से कोई भी आप सेट करना चाहे वो कर सकते हैं, और उसके बाद आपको मिलेगा इस तरह का इंटरफेस। बैक आ जाना है, वाईफाई पे जाना है, वाईफाई ऑन करके वाईफाई कनेक्ट कर लेना है। जैसे ही वाईफाई कनेक्ट होगा आपको यहाँ पर शो होगा वाईफाई कॉलिंग का ऑप्शन, ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, यानी कि वाईफाई कॉलिंग इनेबल्ड हो चुका है। अभी आप जाके कॉल करके देखिए, आपका प्रॉब्लम फिक्स्ड हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों आप जो है वाईफाई कॉलिंग प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बाय एनी चांस दोस्तों आपका जो प्रॉब्लम है अभी भी अगर फिक्स नहीं होते हैं ये करने के बाद, तो आपको दोस्तों अपना मोबाइल सॉफ्टवेयर जो है वो अपडेट करना होगा, ठीक है। उसके लिए दोस्तों यहाँ पर आपको मिलेगा इस तरह का ऑप्शन, तो जाइए सॉफ्टवेयर अपडेट का ऑप्शन यहाँ पर है, तो जाके सॉफ्टवेयर को अपडेट करें। उसके बाद दोस्तों आप सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल भी कीजिए, इंस्टॉल वगैरह कर लेने के बाद चेकआउट करके देखें, आपका प्रॉब्लम जो है यहाँ पर फिक्स्ड हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों कभी कभार क्या होता है, हमारा जो सॉफ्टवेयर है वह अपडेट नहीं होने की वजह से डिवाइस का कुछ फंक्शंस, कुछ फ्यूचर्स, ठीक है, काम करना बंद हो जाते हैं। तो आप सॉफ्टवेयर को जब अपडेट करते हैं तो प्रॉब्लम्स वगैरह सॉल्व हो जाते हैं। तो सॉफ्टवेयर को अपडेट करके देखें एंड देन वाईफाई कॉलिंग आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जब तक आपको ये साइन नहीं मिलेगा कॉलिंग और वाईफाई एक साथ, ठीक है, वहाँ पर शो नहीं होगा, तब तक आप वाईफाई कॉलिंग यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो जाइए और सेटिंग्स कीजिए, सॉल्यूशंस कीजिए, अपना प्रॉब्लम फिक्स्ड कीजिए। तो इस तरीके से दोस्तों फिक्स हो जाएगा आपका प्रॉब्लम। और आज के इस वीडियो पर बस इतने, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।